टुडे 13 जनवरी 2019। सो आज आ रहे हैं उदित नारायण जी, तो आप 6 बजे से मैं भी देखूंगा और लोग यहाँ पे जो भी आए हैं वो आज उनका प्रोग्राम देखेंगे। उदित नारायण जी का काफ़ी बड़े सिंगर हैं अपने इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं भी उनका गाना सुनता आया हूँ, लोग सुनते हैं, अच्छे सिंगर हैं। बाकी पूरे हिंदुस्तान में उनके गाने सुने जाते हैं, विदेशों में सुने जाते हैं, तो ये काफ़ी बेटर है यहाँ पे आ रहे हैं। सो वेलकम उदित नारायण जी, थैंक यू सो मच। वैसे जब आप श्रावस्ती महोत्सव में एंट्री करेंगे तो आपको मिलेगा ये चेकिंग पार्ट, इसके अंदर से होके आपको जाना है। मैं आ चुका हूँ मेला के अंदर, आप देख सकते हैं 25 वर्षों का यहाँ पे कैंप लगाया गया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जनपद श्रावस्ती, यहाँ पे आके कुछ जानकारी तो आप ले ही सकते हैं। श्रावस्ती महोत्सव में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पे एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जनमानस को निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। समस्त दवाइयां यहाँ पे निशुल्क उपलब्ध हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे डॉक्टर गिरवर वर्मा, सुरेंद्र सिंह फार्मासिस्ट, रवि त्रिपाठी फार्मासिस्ट, आप सभी लोग, पूरी टीम आशुतोष मिश्रा यहाँ पर उपलब्ध है। सभी के इलाज के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रावस्ती महोत्सव में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम यहाँ पे कैंप लगाया गया। आज से 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कुष्ठ जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें कि किसी भी आदमी को सुन दाग धब्बा शरीर पे हो उसकी जांच होगी। मैं वहां से अंदर आया तो यहां पे मैं देखा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वरता श्रावस्ती, वैसे यहां पे दिखाया गया है शौचालय को, काफ़ी बेटर है क्योंकि शौचालय होना बहुत ही ज़रूरी है घरों में। घर से जब हम खेतों में बाहर जाते हैं तो एक तरह का प्रदूषण होता है, काफ़ी गंदगी होती है, ये काफ़ी ज़रूरी है कि घरों में शौचालय होना बहुत ही ज़रूरी है और होना भी चाहिए। यहाँ पे घर में ही शौचालय बनवाएं, माँ बहनों की लाज बचाएं, ये यहाँ पे लिखा गया है। वैसे वास्तव में बेटर है, शौचालय होना तो बहुत ज़रूरी है और ये हमको स्वच्छता की ओर ले जाता है। सो मैं वहाँ से यहाँ पे आ चुका हूँ, तो ये महोत्सव लोगों को आपस में जैसे मिलना जुलना और कुछ सीखना, यहाँ पे आके लोग कुछ सीख भी सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, और यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम और कई विद्यालय छोटे यहाँ पे जो भी विद्यालय हैं वहाँ के बच्चे भी आके यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। वही